नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अमेरिका के एक डॉक्टर का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उसने दावा किया है कि जो ओमिक्रॉन है वो एक नेचुरल वैक्सीन की तरह लेना चाहिए, सिम्टम इसके माइल्ड है बहुत और जितना ज्यादा ये फैलेगा उतनी जल्दी हमारी पूरी विश्व में इम्यूनिटी हो जाएगी कोरोना को लेकर। दूसरी तरफ WHO कहता है कि ओमिक्रॉन को हल्के में ना लीजिए, इससे खतरा हो सकता है, अपने टेस्ट करवाइए। कोई कहता है टेस्ट करवाओ, कोई कहता है टेस्ट ना करवाओ, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, कौन से नहीं करवाने चाहिए, किससे पता चलेगा ओमिक्रॉन है या नहीं है, तमाम बातों की आज हमने चर्चा की है। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं जो मेडिकल डायरेक्टर है इमेजिन पैथ लैब्स में, और हमने एक बात की है एक ऐसे मरीज से भी जिसको दूसरी बार कोरोना जो है वायरस हुआ, इस बार ओमिक्रॉन से ग्रसित है उनको, और उन्होंने डिफरेंस बताया कि ओमिक्रॉन माइल्ड है लेकिन प्रिकॉशन उन्होंने पूरी ली है। सबसे पहले डॉक्टर समीर भाटी आपके पास ही जाएंगे, ये जानना चाहेंगे जो टेस्ट चल रहे हैं RT-PCR टेस्ट है, जो एंटीजन टेस्ट है, ये लोगों को करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या इसको करवाने के फायदे और क्या इससे पता चलेगा कि ओमिक्रॉन वायरस लोगों में है तो इसका फायदा है। देखिए, कोविड के लिए जो भी जांच की जाती है, चाहे हम RT-PCR करें या आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट करें, इससे ये पता चलता है कि आपको संक्रमण हुआ है कि नहीं, कोविड का संक्रमण हुआ है कि नहीं। पर आप कौन से वेरिएंट से ग्रसित हैं, आपको डेल्टा वेरिएंट हुआ है या आप ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार हुए हैं, इसका पता लगाने के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग नामक जांच होती है जो सरकारी संस्थाओं में ही किया जाता है। हाँ, अभी एक ओमिश्योर नाम से ICMR ने किट अप्रूव की है जिस किट के जरिए ये पता लगाया जा सकेगा कि आपको ओमिक्रॉन हुआ है या नहीं। इस किट को लैब में इस्तेमाल किया जाएगा उन्हीं लैब्स में जहां पे ऑलरेडी RT-PCR टेस्ट होता है, और उतना ही समय लगेगा जितना RT-PCR टेस्ट में लगता है, पर ये किट अभी मार्केट में आने में थोड़ा सा समय और लगेगा। तो RT-PCR और टेस्ट और एंटीजन टेस्ट है, इससे ये पता चलता है कि हम इन्फेक्टेड है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन से वायरस से इन्फेक्टेड है। जीनोम सिक्वेंसिंग करवानी पड़ेगी जो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर और महंगा भी प्रोसीजर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ICMR ने अभी ओमिश्योर जैसा कि बताया डॉक्टर ने किट को परमिशन दे दी और जल्दी बाजारों में आएगी जिसकी मदद से तुरंत पता चल जाएगा कि आपको ओमिक्रॉन है या नहीं। वैसे सरकार ने एक गाइडलाइंस भी जारी करी है कि जो लोग इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आए उनको जांच करवाने की जरूरत नहीं है, और अपना लेकिन आइसोलेशन में रहें, ध्यान रखें, जो कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड एक जो प्रोटोकॉल है उसको अपनाएं। डॉक्टर, ये भी यहां जानना चाहेंगे कि एक तरफ कहा जा रहा है कि बहुत ही माइल्ड है ओमिक्रॉन, इससे ये एक नेचुरल वैक्सीन है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सावधान रहिए, इसको फैलेगा तो जबरदस्त डेंजर हो सकता है ये विश्व के लिए। तो क्यों डेंजरस हो सकता है जब ये इतना माइल्ड है ये वायरस, तो क्यों खतरा बन सकता है ये वायरस? जैसा कि हमने देखा कि वुहान से ओरिजिनेट हुआ ओरिजिनल कोविड वायरस जैसे जैसे फैला और अलग अलग लोगों में इन्फेक्शन हुआ तो इस वायरस में बदलाव आते गए और नए नए वेरिएंट का जन्म होता गया। दरअसल कोई भी वेरिएंट सर्वाइव करने के लिए एक होस्ट ढूंढता है, इसलिए वो ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करता है और अपना घर बनाता है। लेकिन जब एक वायरस ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो खुद को भी रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी बहुत सारी फोटोकॉपीज बनाता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में हमारे लोग भी, आम लोग भी समझ गए होंगे कि वायरस क्यों खतरनाक बन सकता है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन माइल्ड वायरस है, ये डॉक्टर जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये तेजी से फैलता है तो इसका वायरस म्यूटेट हो सकता है, और डॉक्टर ने बहुत ही क्लियरली आपको समझा दिया कि म्यूटेशन कैसे होता है। जितने ज्यादा इम्यून से टकराएगा वायरस उतना ही ज्यादा ये म्यूटेट होगा, और कई बार म्यूटेशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, वायरस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और आपको बता दें, वायरस बहुत ज्यादा चालाक होता है, अपने सर्वाइवल के लिए वो रंग रूप बदलता रहता है। ओमिक्रॉन में जिस तरह के म्यूटेशन जितने ज्यादा देखे गए हैं, माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा चालाक है ये वायरस, तो इसलिए इसको फैलने से रोकना है। तो फैलने से रोकना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि जो स्टडीज आई हैं, 3 से 6 सेकंड में ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी को अपना शिकार बना लेता है। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा भयंकर खतरनाक है, इन्फेक्शियस है, माइल्ड सिम्टम है लेकिन फैलता तेजी से है, और हमको रोकना है इसको फैलने से, क्योंकि आपको बता दिया
म्यूटेशन होने का खतरा है और हो सकता है कि जो नया म्यूटेंट आए वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, डेल्टा वायरस की तरह हो सकता है। तो क्या क्या करना है, क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी है, एक बार जरूरी है इस पे चर्चा करने की। ऐसे तो लोग बहुत समझ गए हैं कि क्या क्या करना है, लेकिन एक बार डॉक्टर के मुंह से हम दोबारा सुनेंगे कि क्या क्या आप करें और आप प्रिकॉशन क्यों ले, क्योंकि एक से दो सेकंड भी अगर मास्क आपके नाक या मुंह के नीचे जाता है तो आप सोच लीजिए कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो डॉक्टर भाटी, क्या क्या प्रिकॉशन लें? ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में वायरस बहुत सारे केमिकल्स और एंजाइम्स के टच में आता है और कई बार कॉपीज बनाते वक्त इसके अंदर बहुत कुछ बदलाव आ जाते हैं। खास तौर पे ये जो आरएनए वायरस होते हैं, जैसे कि अपना एक कोरोना वाला वायरस है या इन्फ्लुएंजा वायरस, इनमें बदलाव के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ऐसे ही कोविड का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट, जितने ज्यादा लोगों में फैलेगा उतना ही अलग अलग लोगों की इम्यून सिस्टम से उसकी मुलाकात होगी और सर्वाइवल के लिए उसके अंदर बदलाव आने के काफी चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, जब सावधानी और बचाव की हम बात करते हैं तो जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है इसके अंदर, मास्क। तो राइट मास्क आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेल फिटेड होना बहुत जरूरी है। आप डबल मास्क लगाएं या फिर आप N95 का जो है मास्क लगाएं, बिल्कुल आपका सामने से नोज के ऊपर से पूरी तरह से फिट होना चाहिए, साइड से बिल्कुल प्रॉपरली फिट होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर ऑफिस में लंच वगैरह कर रहे हैं, आप स्नैक्स ले रहे हैं, आप मास्क को तब उतार रहे हैं, उस समय आप जरूर ध्यान रखें मास्क को आप अपनी पॉकेट में रखें, कहीं भी ऐसी सरफेस पे ना रखें क्योंकि उससे मास्क भी इन्फेक्ट हो सकता है। अपने हैंड्स को फिर दोबारा से प्रॉपर सैनिटाइज करें, उसके बाद आप उसको मास्क को पहनें। घर जैसे आप जाते हैं, घर जाने के बाद आप जरूर बात लें और आपके जो कपड़े हैं उनको अलग रख दें, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, वॉश करने के लिए रख दें। इसके अलावा बाहर से जो भी चीज आती है उनको डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज करना बेहद जरूरी है। और आपको अगर कोई भी लक्षण हो तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें और उसके बाद अपनी जांच कराएं। कई बार क्या होता है कि फ्लू के सीजन के अंदर हम लक्षणों को पहचान नहीं पाते हैं कि वो फ्लू के लक्षण है या कोविड के लक्षण है, इसलिए आइसोलेट करें और जांच जरूर कराएं। तो वही सब प्रिकॉशन लेनी है, मास्क लगाना है, ठीक ढंग से लगाना है, मास्क को सैनिटाइज करना है, कपड़ों को सैनिटाइज करना है, खाना खाते वक्त या किसी समय मास्क नीचे रखें तो डिस्टेंस बना के रखें, पब्लिक गैदरिंग में ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया 3 से 6 सेकंड का वक्त लेगा ओमिक्रॉन आप तक पहुंचने के लिए।